वैसे तो आपने झीलों के बारे में काफ़ी सुना और देखा होगा, लेकिन यहाँ कुछ रहस्यमय घटना आज भी देखने को मिल जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अरबों रुपए का खजाना दफन है। यह है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित कमरू नाग झील। जी हाँ, सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपको बता दें, गर्मियों के दिनों में बाबा कमरूनाग पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं, इसलिए लोगों का यहाँ जनसैलाब पहले ही उमड़ पड़ता है, क्योंकि बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता हैं और हर मन्नत पूरी करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर आता है रोहांडा। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर के पास ही एक झील है जिसे कमरू नाग झील के नाम से जाना जाता है। यहां पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफ़ी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। देव कमरूनाग को वर्षा का देव माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान कमरूनाग को सोने चांदी वे पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। यहां जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी के गहनों को अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि झील के गर्त में काफी बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरू नाग में लोहड़ी पर भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है, इसमें से देवताओं का खजाना छिपा हुआ है। हर साल जून महीने में 14 और 15 जून को बाबा भक्तों को दर्शन देते हैं, और इन दिनों के बाद यहाँ कोई भी पुजारी नहीं होता। यहाँ बर्फ भी पड़ जाती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता, क्योंकि माना जाता है कि कमरू नाग के खामोश पहरी इसकी रक्षा करते हैं। एक नाग की तरह दिखने वाला पेड़ इस पहाड़ के चारों ओर है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये नाग देवता अपने असली रूप में आ जाता है। अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ भी लगाता है तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।